के प्ले स्टोर से फ्री फायर को कैसे डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर की सर्च बार में आपको सर्च करना पड़ेगा फ्री फायर में। तो सर्च करने के बाद तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा गेम इंस्टॉल हो रहा है। तो आज मैं फ्री फायर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट सेटिंग हैं वो आपको दिखाऊँगा कैसे वो सेटिंग करना है। इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखना, सब पता चल जाएगा कि फ्री फायर के अंदर क्या क्या सेटिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। अब मेरा फ्री फायर इंस्टॉल हो गया, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा वक्त लगता है। आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लेफ्ट साइड में प्ले का ऑप्शन दिया मुझे, मैं वहाँ क्लिक कर देता हूँ। फ्री फायर प्ले हो गया। तो अभी भी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ्री फायर अभी भी बहुत सारे परमिशन मांगती है। तो मैं एक एक करके वो परमिशन दे के गेम को ओपन करूँगा। तो देख सकते हो पहला परमिशन ये है। तो अब मैं इसको कॉन्फर्म कर देता हूँ। फिर से परमिशन आया, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। पहली बार फ्री फायर इंस्टॉल करने के बाद एक अपडेट मांगता है, 2 MB का अपडेट। तो वो भी मैं यहाँ पर अपडेट पे देखो, अपडेट हो रहा है हमारा। अपडेट होने के बाद अब गेम ओपन हो जाएगा। फ्री फायर पे जो आईडी करते हैं वो बहुत सारे तरीके से आईडी हो सकते हैं। ईमेल पे आईडी हो सकते हैं, जीमेल पे गेस्ट आईडी हो सकते हैं। वहाँ 3-4 ऑप्शन आएगा जिसका जिसमें आईडी है, किसी का ईमेल में हो सकता है, किसी का जीमेल, किसी का गेस्ट आईडी। तो मेरा फेसबुक का आईडी है। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये सब कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद क्या है, आप सेटिंग कैसे करें। ये सेटिंग होता है फायर के दौड़ने के जो सेटिंग होता है ना, वो सेटिंग कैसे करो। वो सेटिंग करने के लिए पहले सेटिंग में जाएगा, उसके बाद कंट्रोल्स में जाने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन है कस्टम मोड, उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ सेटिंग होता है 3 पार्ट के, देखो पहला पार्ट 1 पार्ट, सेकेंड दूसरा पार्ट भी है और तीसरा पार्ट भी है। तो मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट से अपना सेटिंग करता हूँ। पहले हम जो एक्स का होता है स्कोप का वो एक्साइट कर दिया, उसके बाद जो लूट आता है, गान आता है, ये जो 4 बॉक्स है इससे सब सामान उठता है, जैसे कि मेडिकिट, गान, एमओ वगैरह सब यहाँ से उठते हैं। ये बिल्कुल ये हमको सही जगह पे लाना पड़ेगा, नहीं तो लूट ठीक से नहीं होगा। इसके बाद जो जंप का होता है वो मैंने सही जगह लगाना है, तो ये जगह ठीक है। इसके बाद फायर पे, फायर इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, छोटा करके साइड में लगा दूँगा। उसके बाद जो है बैठने का है सोने का, वो भी हमने साइड कर दिया। तो बैठने का थोड़ा सा 12 कर लूँगा, 12 करके सही जगह। जो हेल्प करने का है इमीडिएट कर दूँगा, जो बॉक्स यूज़ करने का है, शू का है, ये भी। और अभी मैं इन सबको थोड़ा सा करके 12 कर लूँगा। 12 करने से क्या होता है, जो मारने पर, बैठने पर, जंप करने पर आसान हो जाता है। इन सबको थोड़ा थोड़ा करके 12 कर लूँगा। तो मेरा एक साइड का सेटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इस साइड को भी थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लूँगा। ये जो है ये दौड़ने का है, इसको मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो उसके बाद ये जो सेटिंग है, ये बैग का सेटिंग है, इस पर सारा सामान रहता है। और ये जो सेटिंग है ये है मेडिकेट का,
और ये जो सेटिंग है इस पे ग्रेनाइट रहता है, ग्लोवल रहता है। ये जो सेटिंग है इसको स्कॉल कहता है, वो जिस तरफ ले जाएगा कैरेक्टर भी उसी तरफ जाएगा। ये जो सेटिंग होता है ये होता है कैरेक्टर का एबिलिटी का सेटिंग होता है। ये सेटिंग को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने से क्या होता है, जब भी कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज़ करना होता है तो इस पर जल्दी से हाथ पड़ जाते हैं। और ये जो सेटिंग है लेफ्ट फायर का है, ये देख सकते हो। ये जो सेटिंग है ये पानी में तैरने का सेटिंग है, स्केट कर सकते हो पानी में। और ये जो है ये मैप है, ये आप जिधर भी चाहो ले जा सकते हो। तो अब मैं इस सेटिंग को सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए देख सकते हो राइट साइड में एक येलो का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर देते हैं। तो अब बात करूँगा फ्री फायर ओपन करने के बाद जो म्यूजिक होता है उसको कैसे बंद करते हैं। तो उसको बंद करने के लिए देख सकते हो सेटिंग में एक ऑप्शन है साउंड के ऑप्शन, उस साउंड के ऑप्शन में जाके म्यूजिक को कम कर देना है। सेटिंग करने के बाद म्यूजिक नहीं होगा। अब मैं बात करूँगा फ्री फायर के अंदर क्या क्या मैप है। तो पहला मैप है VR रैंक, उसका बाद है CS रैंक, उसका बाद है बैटल रॉयल, उसका बाद है क्लास स्क्वाड, उसके बाद है लॉन वॉर, उसके बाद है फ्री फॉर ऑल, और उसके बाद है गन किंग स्क्वाड, उसके बाद है डेविड एपिकल, उसके बाद है बिग हेड, और सबसे आखिर क्रैफलैंड मैप, और नीचे ट्रेनिंग के भी मैप है।